तो गाइस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हुई थी। यहाँ पे यूना अचानक से शिंजो को गले लगा लेती है, जिससे कान तो खुद हमारा शिंजो परेशान था कि आखिर यूना अचानक से यहाँ पे क्यों चली आई। लेकिन इसके बाद हमारा शिंजो खुद नोयू के सामने से यून को घर के अंदर ले जाता है, जहाँ पे वो खुद अपने हाथों से उसके लिए नूडल्स बनाता है। लेकिन यहाँ पे हमारी नोयू तो बहुत बड़े सदमे में जा चुकी थी, आखिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इधर नोयू के डैड मिस्टर चोई के घर पे पहुंचे थे, जहाँ पे वे उन्हें धमकी देते हैं कि वे उन्हें पार्लियामेंट में कोई भी सीट नहीं देंगे। लेकिन जीताई की मॉम यून के डैड को वीडियो फोटो दिखाते हुए बताती है कि जीताई ने यून को नहीं छोड़ा है, बल्कि यून किसी और से प्यार करती है। यह जानने के बाद तो यहाँ पे खुद मिस्टर चोई और जीताई दोनों बहुत ज्यादा हैरान थे। लेकिन उधर जब शिंजो की मॉम रेस्टोरेंट बंद करके बाहर निकलते हैं, तो फिर देखते हैं कि नोयू वहीं पे बैठी हुई है। अब उसे देखने के बाद भी पूछते हैं कि वो इतनी रात को यहाँ पे परेशान होकर क्यों बैठी हुई है। लेकिन हमारी नोयू तो इतनी बड़े सदमे में थी कि वो उन्हें कुछ नहीं बता पाती है और कहती है कि बस वो उसे अकेला छोड़ दे। बस शिंजो की मॉम उसे कहती है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और उसे भूख भी लगी होगी, तो उसे शायद उसे घर पे चलना चाहिए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग नोयू को शिंजो की मॉम के घर पे देखते हैं, जहाँ पे वो उनके हाथ से बनाए हुए खाना खा रही है। और यहाँ पे वो उन्हें सब कुछ बता देती है कि शिंजो ने उसे छोड़ दिया है और वो किसी और लड़की को देख रहा है। इस पे तो शिंजो की मॉम पूछती है कि वो लड़की कौन है। लेकिन यहाँ पे तो हमारी नोयू बहुत ज्यादा थिंकिंग कर लेती है और इस कारण से वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद जब हमारा शिंजो खुद अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है, तो उसकी मॉम उसे बताती है कि नोयू यहीं पर है। जिसके बाद क्या था, हमारा शिंजो खुद नोयू के कमरे में चला जाता है और वो वहीं पे बैठ के उसे देखने लगता है। लेकिन जब हमारी नोयू यहाँ पर बेड पर से नीचे गिरने वाली थी, तभी यहाँ पे हमारा शिंजो अचानक से उसके पास जाकर लेट जाता है, जिसके कारण जब नोयू गिरती है तो उसे चोट नहीं लगता है और इस कारण से हमारी नोयू वहीं पे काफी कंफर्टेबल तरीके से सो जाती है। अब नेक्स्ट डे जब हमारी नोयू सो के उठती है, तो वो खुद जरा कंफ्यूज थी कि वो तो बेड के ऊपर सोई थी और वो नीचे कैसे चली आई। उधर जब शिंजो सो के उठता है, तो मिस्टर चोई उसे मिलने चले आते हैं और वो वहाँ पे खुद उससे पूछते हैं कि कभी शिंजो उनकी जान बचाता है तो कभी कुछ फाइल दिखाते हुए उन्हें ब्लैकमेल करता है, आखिर शिंजो उनसे चाहता क्या है। लेकिन हमारा शिंजो भी कम नहीं था और वो उनसे बता देता है कि उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और वो उनसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि उन्होंने 10 साल पहले किसी को न्याय नहीं दिया था और वो उनकी पूरी लाइफ पर बात कर देगा। इस पे तो हमारे मिस्टर चोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी इतनी बोलने की हिम्मत कैसी हुई, भले ही तुम मेरे बेटे हो लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमारा शिंजो भी उनसे कहता है कि मैं अपने रास्ते पे रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ इस पे झोंक दिया है। उधर हमारे जीताई को पता चल चुका था कि यून शिंजो को पसंद करती है, तो वो उससे मिलने पहुंचता है और वो वहाँ पे उसे अब हकीकत बताता है कि शिंजो सिर्फ मिस्टर चोई से यानी कि उसके डैड से बदला चाहता है, क्योंकि शिंजो जीताई का ही सौतेला भाई है। इस पे तो हमारी यून बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। बट गाइस जब नेक्स्ट डे हारू नोयू की फ्रेंड को बताती है कि वो मिस्टर चोई की बेटी है, तो इस पे नोयू की फ्रेंड बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उसे वहां से निकल जाने के लिए कहती है। शुरुआत में तो हमारी हारू को समझ में नहीं आता है, बट यहाँ पे वो उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन जब हमारा जेक यह देखता है, तो वो खुद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तब यहाँ पे नोयू की फ्रेंड उन्हें सब कुछ बता देती है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे हारू तो रोने लगती है कि इसमें मेरी क्या गलती है कि नोयू मिस्टर चोई को पसंद नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे हमारे जीक को तो अपने डैड के एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं था और इसलिए वो हारू को सपोर्ट करते हुए कहता है कि वो कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इधर यून काफी गुस्सा में शिंजो से मिलने के लिए पहुंचती है और वो यहाँ पे उसका एक्सीडेंट करने ही वाली थी, बट हमारा शिंजो वहां से नहीं हटता है। जिसके बाद तो यून खुद अब शिंजो से सब कुछ पूछती है कि जीताई ने उसे इतने सारे बातें बताई हैं। तब इस पर हमारा शिंजो भी उसे कह देता है कि हाँ ये सभी बातें सच है, क्योंकि मिस्टर चोई शिंजो के ही डैड है और वो उनसे किसी बात को लेकर बदला लेना चाहता है। लेकिन अगर यून यहाँ से वापस जाना चाहती है तो शिंजो उसे नहीं रोकेगा। बट हमारी यून फैसला करती है कि अब वो शिंजो के साथ रहेगी।
अब सेम नाइट जब नो यू सिंचो की फिर से इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचती है तो वो देखते है कि वहाँ पे पहले से ही यून भी आई हुई है। बट हमारे सिंचो यहाँ पे क्या रिएक्ट करती, वो चुपचाप अपनी वीडियो फोटोज बनाने में लगी रहती है। बट उन दोनों की बातें सुनने के बाद तो हमारी नो यू वहाँ पे थोड़े समय भी नहीं रुकती है और वो छोटा सा ब्रेक लेकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल हमारी नो यू को उन दोनों की बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि आखिर सिंचो किसी और लड़की के साथ है। लेकिन इधर यून सिंचो से पूछती है कि वो अपने डैड से बदला किस बात को लेके ले रहा है। तब हमारा सिंचो भी उसे बड़े चालाकी से कहता है कि 10 साल पहले किसी लड़की ने नो यू के डैड के हिट एंड रन के कारण उसका एक्सीडेंट कर दिया था और मिस्टर चोय ने उसी के सबूत को दफनाने में मदद किया था और इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहता है। यहाँ पे तो यून थोड़े समय के लिए घबरा जाती है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यून ही है और उसे लगता है कि सिंचो यह बात नहीं जानता और इसलिए वो उसे थोड़ा सा समय मांगती है और वो वापस घर के अंदर चली जाती है। इधर हमारा जी डैड जब फिर से छोटे से रेस्टोरेंट पे पहुंचता है तो वहाँ की ओनर तो उसकी तारीफ करने लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि जी डैड ने अपने लिए कोई नया सूट को खरीदा है। लेकिन तभी जी डैड का मैनेजर वहाँ पे आके उसे बताता है कि न्यूज ये बहुत बड़ी खलबली चल रही है। अब हमारा जी डैड जब यह देखता है तो वो खुद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उधर जब सिंचो के अंकल को इसके बारे में पता चलता है तो वे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पे मैटर ये था कि किसी ने सिंचो को ड्रग केस में फंसा दिया था कि सिंचो बहुत सारे ड्रग्स लेता है और उसके काफी बड़े बड़े ड्रग्स डीलर के साथ रिलेशनशिप है। इधर जब एजेंट को इसके बारे में पता चलता है तो वो खुद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। बट गाइस इधर हमारा सीन जो यून को इतना परेशान हो देख कर उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे यून उल्टा सिंचो से पूछती है कि क्या वो उस लड़की को जानता है या फिर पहचानता है जिसने नोयू की डेथ का एक्सीडेंट किया था। जिस पे हमारा सिंचो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा तेज हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी का एक्सीडेंट करके चली जाओगी और किसी को पता नहीं चलेगा। सुनने के बाद तो हमारी यून वहीं पे दंग रह जाती है क्योंकि उसे ऐसा उम्मीद नहीं था। लेकिन हमारी यून उसे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला क्योंकि उस रात उसने सभी सबूत को मिटा दिए थे जो जो उसके खिलाफ था और मेरे परिवार वालों ने झूठी खबर फैला दी थी कि मैं अमेरिका में थी। बट अब हमारा सिंचो उसे बताता है कि यहाँ पे वो जो कुछ भी बोल रही है यह सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि इस घर में जगह जगह पे कैमरे उसने पहले ही लगा दिए थे और यहाँ पे नो यू इन सब कुछ को रिकॉर्ड कर रही है। अब यह सुनने के बाद तो यून के पैर तले से जमीन खिसक जाती है। लेकिन उधर नो यू इन सभी बात को खुद जानकर रोने लगी थी क्योंकि अब उसे याद आ चुका है कि यून ही वो लड़की है जो कि एक्सीडेंट करके भाग गई थी। बट गाइस सिंचो को अब मैनेजर कॉल करके बताता है कि किस प्रकार से झूठे ड्रग्स केस में सिंचो को फंसा दिया गया है। यह सुनने के बाद तो हमारा सिंचो हंसने लगता है क्योंकि वो जानता है कि यह काम कौन कर सकता है। जिसके बाद यहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर चले आते हैं और वे सिंचो को उसी को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। लेकिन उधर जीता के मैनेजर दौड़ते हुए जीता के पास आके बताता है कि ड्रग्स वाली झूठी खबर को उसके डैड ने फैलाया है। इस पे तो हमारा जीता दंग रह जाता है क्योंकि कोई बाप अपने ही बेटे को कैसे फंसा सकता है। लेकिन इधर प्रोसिक्यूटर्स खुद सिंचो से सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। बट इस पे तो हमारा सिंचो को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो वहीं पे हंसने लगता है। उधर नो यू जब सिंचो के बारे में सोच सोच के ड्रिंकिंग कर रही थी तब यहाँ पे कुछ लड़कियाँ सिंचो के ड्रग किसिंग के बारे में बातें कर रही थी। यहाँ पे हमारी नो यू उनसे कहती भी है कि वो चिल्ला चिल्ला के बातें ना करे बट वे लड़कियाँ नहीं मानती है और इस पे हमारी नो यू गुस्सा हो जाती है। बट इतने ही में उधर से हमारा जीटा चला आता है और वो नो यू को बताता है कि सिंचो को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो उसे पूरी कहानी बताता है कि किस प्रकार से यह सब चाल मिस्टर चोय का है और वो सिंचो की लाइफ फिर से बर्बाद करना चाहता है। बट यहाँ पे हमारी नोयू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि यह सब काम सिंचो सिर्फ और सिर्फ नोयू को न्याय दिलाने के लिए कर रहा था और हमारी नोयू को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए हमारा जीक अब नेक्स्ट डे हारू से मिलने पहुंचता है और वो उसे बताता है कि वो लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को पसंद करता है और इतने दिनों से जीक हारू के साथ दंभ कर रहा था। यह सब जानने के बाद तो हमारी हारू बहुत गुस्सा हो जाती है जैसे कि उसके ऊपर पूरी तरह से बिजली ही गिर गई हो। लेकिन यहाँ पे जीक भी कम उदास नहीं था और उसके दुख को आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं।
लेकिन इधर पुलिस स्टेशन के अंदर मिस्टर चोई खुद सिंजो से बातें कर रहे थे और वो उसे लास्ट मौका देते हुए कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की बात को छोड़ दे और मिस्टर चोई अपने इस खेल को बंद कर देंगे। बट हमारा सिंजो तो इस पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उन्हें जो करना है वो खुद कर ले, वो उनकी किसी भी खेल से नहीं डरता है और वो उन्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन यहाँ पे सिंजो खुद यह सब बोलते बोलते अचानक से पीछे गिर जाता है और मिस्टर चोई तो यह देखे खुद दंग रह जाते हैं। उधर हमारी नोयू जब सिंजो के बारे में इतना कुछ सोच ही रही थी तभी उसे यून कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। अब जब नोयू उसे मिलने जाती है तो यून उसे काफी पैसे देती हुई कहती है कि ये सारे पैसे उसके हो सकते हैं, बस वो उन सारे सबूत को वापस से यून को दे दे। लेकिन हमारी नोयू मना कर देती है। इस पे तो यून अब गुस्सा हो जाती है और अपने पैसे की रॉक दिखाती हुई उसे कहती है कि अगर तुम मुझे ये सारे सबूत नहीं दोगी तो तुम कम से कम अपने भाई जिक के बारे में सोच लो, क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बट गाइस घबराने की कोई बात नहीं है, इस बार हमारी नोयू बिल्कुल भी नहीं घबराती है और वो उसे कहती है कि बस वो कुछ करके दिखाए, उसके बाद वो उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की लाइफ खत्म कर देगी। और इतना कहने के बाद तो हमारी नोयू सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने घर पे चली जाती है। लेकिन इधर जब अंकल काम कर रहे थे तब वे न्यूज में देखते हैं कि सिंजो अचानक से बेहोश हो चुका था और अब मीडिया को पता चल चुका है कि सिंजो को ब्रेन ट्यूमर है जिसके कारण अब वो मुश्किल से एक सप्ताह ही जीने वाला है। और धीरे धीरे ये खबर अब पूरी तरह से मार्केट में फैल जाती है और अब यहाँ पे हर कोई सिंजो की बीमारी के बारे में ही बातें कर रहे थे। इधर हमारी हारू को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो वहाँ पे उतना रोने लगती है जितना कि वो तो ब्रेकअप के बाद नहीं रोई थी, क्योंकि हमारी हारू तो सिंजो की बहुत बड़ी फैन थी। लेकिन इसके कमेंट्स में यहाँ पे हर कोई इंसान सिंजो के लिए प्रेयर कर रहा था। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोयू काफी खुश होकर पार्क में बैठी हुई थी और तभी उधर से हमारा सिंजो चला आता है और वो हमेशा की तरह नोयू के गोद में सिर रख के वहीं पे सो जाता है। ये सीन बिल्कुल 10 साल पहले जैसा था जब सिंजो नोयू के गोद में सिर रख के सो गया था और यहाँ पे हमारी नोयू तो सिंजो की इस हरकत को देख कर बहुत मुस्कुरा रही थी। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों अब स्टोरी में हमें ये सीन क्यों दिखाया गया है ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।